हे पोके फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो पोके फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्टार्टर्स पोकेमोन के बारे में जो ग्रेनिंजा की बराबरी कर सकते हैं या ग्रेनिंजा को हरा सकते हैं। और गाइस हाँ, हम इस वीडियो में एज ग्रेनिंजा को भी इंक्लूड करेंगे। तो गाइस अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोके फ्रेंड्स, जो पोकेमोन आता है नंबर 5 पर वो है चेस्टनट। और गाइस मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि चेस्टनट की टाइप क्या होती है। तो गाइस आप में से बहुत से लोगों का आंसर होगा कि चेस्टनट ग्रास और ग्राउंड टाइप या ग्रास और रॉक टाइप का होगा। लेकिन गाइस बिल्कुल भी नहीं, जो अपना चेस्टनट है ये अपने पास एक यूनिक टाइप रखता है जो है फाइटिंग और ग्रास टाइप, जो कि गाइस काफ़ी यूनिक टाइप है। और गाइस जो अपना ग्रेनिंजा है ये है वाटर और डार्क टाइप। तो गाइस आप सभी लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं मानता हूँ कि 95% लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने इन दोनों पोकेमोन की टाइप्स क्यों बताई। क्योंकि गाइस जो अपना चेस्टनट है ये फाइटिंग और ग्रास टाइप है, और जो फाइटिंग टाइप होती है ये डार्क टाइप पर इफेक्टिव रहती है, और जो ग्रास टाइप होती है ये वाटर टाइप पर इफेक्टिव रहती है। और गाइस इसलिए जो अपना चेस्टनट है इसकी दोनों टाइप्स जो ग्रेनिंजा है उस पर इफेक्टिव रहने वाली हैं। तो गाइस मैंने इसी वजह से आप लोगों को इनकी टाइप्स बताई। तो गाइस आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि जो चेस्टनट है ये कितने ज़्यादा हावी है जो अपने ग्रेनिंजा है इस पर। तो गाइस अब बात करते हैं एश-ग्रेनिंजा की। तो गाइस जो अपना एश-ग्रेनिंजा है जो इसकी स्टैट्स में बदलाव आता है वो है 120 का, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा है और ये मेगा एवोल्यूशन से भी ज़्यादा है। और गाइस साथ ही जो अपना चेस्टनट है इसका कोई मेगा एवोल्यूशन तो है नहीं। तो गाइस अब हम कह सकते हैं कि जो चेस्टनट है ये एश-ग्रेनिंजा से हार जाएगा। लेकिन गाइस हाँ, हम ये भी कह सकते हैं जो अपना चेस्टनट है ये ग्रेनिंजा को हरा सकता है। तो गाइस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है चेस्टनट को नंबर 5 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो बाकी फ्रेंड्स, जो पोकेमोन आता है नंबर 4 पर वो है इन्फर्निप। और गाइस ये फाइटिंग और फायर टाइप का स्टार्टर पोकेमोन है, जो कि हमें सियोन रीजन में दिखाया गया था। और गाइस जो अपना एस का इन्फर्निप है ना, इसकी जो एबिलिटी थी ब्लेज, ये तो हम सभी की फेवरेट है ही। और साथ ही गाइस जो अपना इन्फर्निप है ये अपने पास बहुत ही अच्छे बेसिक स्टैट्स रखता है, और इसकी टाइप यूनिक होने के साथ साथ जो अपना ग्रेनिंजा है ये इसको हरा भी सकता है। क्यों गाइस, जो अपना ग्रेनिंजा है ये है डार्क और वाटर टाइप, और जो अपना इन्फर्निप है ये है फाइटिंग और फायर टाइप। तो इस तरीके से जो फाइटिंग है वो डार्क परफेक्टिव रहने वाली है, और जो वाटर है वो फायर परफेक्टिव रहने वाली है। तो इस तरीके से जो ये दोनों हैं ये एक दूसरे पर इफेक्टिव रहने वाले हैं। तो गाइस इसी वजह से मुझे लगा कि मैच ड्रॉ भी हो सकता है या अपना इन्फर्निप जीत भी सकता है। क्योंकि गाइस जो हमारे हर रीजन में, ज़्यादातर रीजन्स में हमारे फेवरेट पोकेमोन जो फायर टाइप रहे हैं, तो वो किसी न किसी वजह से तो रहे ही होंगे। तो मुझे इसी वजह से लगा कि ये शायद ग्रेनिंजा को हरा दे। लेकिन गाइस अब बात करते हैं हम एश-ग्रेनिंजा के बारे में। तो गाइस जो अपना इन्फर्निप है ये एश-ग्रेनिंजा को बिल्कुल नहीं हरा सकता, क्योंकि गाइस जो उसका वो बोन डाइवोल्यूशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा उस समय, क्योंकि गाइस 120 का बेस स्टैट्स में बदलाव ये बहुत ही बड़ा होता है, और इसी वजह से जो अपना इन्फर्निप है इसका कोई मेगा एवोल्यूशन तो है नहीं। तो इस तरीके से एश-ग्रेनिंजा इजीली हरा सकता है इन्फर्निप को। लेकिन गाइस ग्रेनिंजा हार सकता है इन्फर्निप से। तो गाइस इन सभी बातों को मैंने ध्यान में रखा, और गाइस इसी वजह से रखा है मैंने इन्फर्निप को नंबर 4 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो बाकी फ्रेंड्स, जो पोकेमोन आता है नंबर 3 पर वह है ब्लेजिकन। और गाइस ये एक फायर और फाइटिंग टाइप का स्टार्टर पोकेमोन है, और साथ ही गाइस जो अपना ब्लेजिकन है ये अपने पास बहुत ही अच्छे स्टैट्स रखता है, और साथ ही जो अपना ब्लेजिकन है ये फाइटिंग टाइप होने की वजह से डार्क टाइप पर इफेक्टिव है। और गाइस लेकिन जो ग्रेनिंजा है वो वाटर टाइप होने की वजह से फायर टाइप पर इफेक्टिव है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे पर इफेक्टिव है। और गाइस यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी जो अपना इन्फर्निप था उसकी तरह, लेकिन गाइस इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि गाइस जो अपना इन्फर्निप था उसके पास मेगा एवोल्यूशन नहीं था, लेकिन गाइस जो अपना ब्लेजिकन है जिसके पास है मेगा एवोल्यूशन। तो गाइस इस वजह से मुझे लगा नहीं गाइस मैंने इसे इसी वजह से रखा है नंबर 3 पर, वरना गाइस इन्फर्निप जगह ले लेता नंबर 3 की। लेकिन जो अपना ब्लेजिकन है इसका मेगा एवोल्यूशन गाइस देखने में तो बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। और गाइस इसका बॉडी डिज़ाइन, और गाइस इसकी कलर्स, और जो इसकी यार ब्लेज होती है ना वो तो यार बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है। और साथ ही गाइस जो अपना ये ब्लेजिकन है इसके स्टैट्स में 100 का बदलाव आता है, लेकिन गाइस जो अपना एश-ग्रेनिंजा है उसके बेस स्टैट्स में 120 का बदलाव आता है। तो इस वजह से हमारा जो ब्लेजिकन है वो शायद हरा दे ग्रेनिंजा को। लेकिन गाइस एश-ग्रेनिंजा को हराना मुश्किल पड़ सकता है इन सभी पोकेमोन्स के लिए। लेकिन गाइस आगे हम भी बात करने वाले हैं कुछ पोकेमोन्स के बारे में जो हरा सकते हैं एश-ग्रेनिंजा को भी। तो गाइस इन सभी बातों को मैंने ध्यान में रखा, और इसी वजह से रखा है मैंने ब्लेजिकन को नंबर 3 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो जो पोकेमोन आता है नंबर 2 पर वो है यार सेप्टाइल, जो एक सिंगल ग्रास टाइप का स्टार्टर पोकेमोन है। लेकिन गाइस मैं अब क्या बताऊँ तुम लोगों को,
कि बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में गालियाँ देंगे, चप्पल मारेंगे मुझे और डिसलाइक करेंगे, सब कुछ करेंगे कि यार तूने क्या जो सेप्टाइल है वो हरा सकता है, ग्रेनिंजा को हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार तुम लोगों ने बैटल तो देखी ही होगी, वो हार गया था। लेकिन 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 आप सुनो तुम लोग कि जो अपना सेप्टाइल स्टार्टर पोकेमॉन है इसके बेस स्टैट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि इसकी स्पीड है वो आरसीएस के बराबर की है। तो तुम लोगों ने सही सुना, आरसीएस के बराबर की। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी। और साथ ही गाइस, जो अपना सेप्टाइल है ये एक सिंगल टाइप होने की वजह से थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है जो ग्रेनिंजा है उसके सामने। लेकिन गाइस बात करते हैं हम अभी, जो कि गाइस हम आगे की बात पहले करते हैं फिर पहले की आगे करेंगे, लेकिन दोनों को फिर मैं वापस दोनों की जगह ले आऊँगा मैं, तुम समझना, अभी तुम नहीं समझोगे लेकिन मैं समझा दूँगा। तो गाइस हम पहले बात करते हैं मेगा इवॉल्व जब हुआ था, हमने बैटल देखा था, जो मेगा सेप्टाइल है उसका मेगा ग्रेनिंजा मतलब गाइस एश-ग्रेनिंजा के साथ हुआ था, तो गाइस वो हार गया था। लेकिन सुनो, जो ग्रेनिंजा है उसके बेसिक स्टैट्स में बदलाव होता है 120 का, लेकिन जो सेप्टाइल है उसकी माता है 100 का। तो गाइस 20 स्टैट्स ज़्यादा हो गए मेगा इवॉल्व होने पर, लेकिन गाइस अगर वो नॉर्मल रूप में है तो गाइस 20 स्टैट्स तो ज़्यादा नहीं होने वाले हैं ना। तो इस तरीके से गाइस हम कह सकते हैं जो अपना सेप्टाइल है ये हरा सकता है ग्रेनिंजा को। लेकिन गाइस अब मेगा इवॉल्व की बात करते हैं कि जो मेगा सेप्टाइल है वो शायद ना हरा पाए मेगा ग्रेनिंजा मतलब एश-ग्रेनिंजा को। लेकिन गाइस वो फिर भी यार चांस तो बनते हैं ना हराने के, लेकिन यार जो अपना ग्रेनिंजा है ना ये एक ही चीज़ में आगे निकल जाता है, वो है यार 120 का स्टैट्स में बदलाव, यही एक चीज़ रहेगी है। लेकिन गाइस ना इसी वजह से तो वो हमारा सबका फेवरेट है। और गाइस हाँ, ये सभी बातें मैंने ध्यान में रखी और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है अपने सेप्टाइल को नंबर 2 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो पोकेमॉन्स नंबर 1 की तरफ जाने से पहले हम उन पोकेमॉन्स पर नजर डाल लेते हैं जो आए हैं हमारी इस लिस्ट में। तो गाइस जो पोकेमॉन था नंबर 5 पर वो था चेस्टनट, और गाइस जो पोकेमॉन था नंबर 4 पर वो था इंफर्नेप, और गाइस जो पोकेमॉन था नंबर 3 पर वो था ब्लेजिंगन, और गाइस जो पोकेमॉन था नंबर 2 पर वो था सेप्टाइल। तो गाइस अब हम चलते हैं नंबर 2 की, नहीं यार वो नंबर 1 आया ना, अब गाइस अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो पोकेफ्रेंड्स जो पोकेमॉन आता है नंबर 1 पर वो है हम सभी का फेवरेट स्टार्टर पोकेमॉन चार्जार, जो कि फ्लाई और फायर टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन है, और गाइस साथ ही ये बहुत से यूनिक मूव भी सीख जाता है, जैसे गाइस ये डिग सीख जाता है और कुछ फाइटिंग टाइप मूव्स जैसे सेस्मिक को सीख जाता है ये, और गाइस साथ ही जो इसके बेसिक स्टैट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अब बात करते हैं जो अपना नॉर्मल ग्रेनिंजा है या ये अपना नॉर्मल चार्जार, ये नॉर्मल ग्रेनिंजा को हरा सकता है या नहीं। तो गाइस जो अपना नॉर्मल ग्रेनिंजा है तो ये है मतलब गाइस कोई इसके टाइप में कोई डिफेंस कोई यार कुछ बदलाव नहीं आता, तो मैंने यार तुम्हें बहुत बार बताया भी होगा शुरू में। और गाइस तो अब बात करें कि ये नॉर्मल को हरा सकता है या नहीं, तो गाइस जो अपना ये चार्जार है ना ये हरा सकता है, क्योंकि गाइस ये कुछ फाइटिंग टाइप मूव सीख जाता है। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि गाइस हमने मेगा बैटल तो देखी है पोकेमॉन XYZ में, तो गाइस उसमें जो अपना ग्रेनिंजा है ये हार जाता है मेगा चार्जार से, वो एश-ग्रेनिंजा हार जाता है मेगा चार्जार डेक्स से। तो गाइस इस तरीके से तो अब जो अपना चार्जार है ये मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके जो स्टैट्स में जो बदलाव आता है वो आता है 100 का, लेकिन गाइस जो अपना ग्रेनिंजा है इसके स्टैट्स में जो बदलाव आता है 120 का। तो गाइस 20 स्टैट्स ज़्यादा है मेगा इवॉल्व होने के बाद, लेकिन गाइस जो बिना मेगा इवॉल्व के उसके स्टैट्स में जो बदलाव होगा वो तो यार 20 स्टैट्स कम का ही होगा ना, क्योंकि गाइस 20 तो आगे मेगा इवॉल्व होने पर ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन गाइस मेगा इवॉल्व में भी जो अपना चार्जार है उसने हरा दिया ग्रेनिंजा को। लेकिन गाइस अब बात करते हैं कि ये हरा पाएगा या नहीं, तो गाइस हाँ ये हरा सकता है क्योंकि फाइटिंग टाइप मूव भी सीख जाता है, और गाइस तुमने देखा कि 20 स्टैट्स की भी बात है तो 20 स्टैट्स भी जो हुए माइनस के हो गए हैं अपने ग्रेनिंजा के, तो यार हार जाएगा ग्रेनिंजा चार्जार से, क्योंकि गाइस चार्जार तो हमारे यार शुरू में से ही फेवरेट है यार, अगर तुम्हारा फेवरेट नहीं है ना तो तुम्हारा किसी ना किसी मूवमेंट पर तो चार्जार फेवरेट हुआ ही होगा। और गाइस अब बात करते हैं मेगा विशेष मेगा में जो चार्जार है वो हरा सकता है या नहीं, तो ये इसका जवाब तो हम सभी को पता है कि यार हरा देगा, क्योंकि यार हमने बैटल देखी है, यार बैटल देखी है तो हाँ यार बैटल देखने से पहले कुछ काम नहीं चलने का, और गेम्स में खेलते हो अगर तुम अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो हरा दोगे गेम्स में भी। और गाइस अलान ने भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई थी तो उसने भी हरा दिया, लेकिन यार कुछ मूवमेंट्स पर ये टाई भी हो सकता है या फिर गाइस ग्रेनिंजा भी जीत सकता है, लेकिन गाइस मुझे लगता है कि चार्जार्ड ही जीतेगा, क्योंकि गाइस जब वो मेगा इवॉल्व होता है तो उसकी टाइप बदल जाती है और वो बन जाती है फ्लाई, नहीं यार फ्लाई हट जाती है उसमें से, और वो बन जाती है जो फायर और ड्रैगन टाइप, जो कि यार काफ़ी अच्छी टाइप है, बहुत ही कूल टाइप लगी मुझे। और गाइस
मैंने इन्हीं बातों को देखा और गाइस इसके मैंने यार अटैक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि गाइस ये सीख जाता है कुछ फाइटिंग टाइप मूव्स जो कि यार मैंने शुरू में गेम प्ले करा था पोकेमॉन पायरेट ओरिजिन का, उसमें यार हमने खेला था। तो गाइस हाँ, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है चारिज़ार्ड को नंबर 1 पर। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस बाय बाय बोलने से पहले मैं तुमसे एक बात और बोल देना चाहता हूँ कि यार तुम्हें मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, तो यार एक ज़ोरदार थैंक्स तुम सभी लोगों को यार, क्योंकि गाइस अब तुम लोग ना अपनी लिस्ट बताते हो अपना फेवरेट पोकेमोन या फिर इन दोनों में से आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, इस तरीके की तुम चीज़ें बताते हो तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अब से मेरे पास तुम लोगों के लिए गिफ्ट है, तो यार वो गिफ्ट ये रहा। तो पकी फ्रेंड्स अब मैं तुम्हारी अच्छे अच्छे सिक्वेंस अब लास्ट में दिखा दिया करूँगा। और गाइज हाँ, ये आगे चलकर रिकमेंड्स थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि यार ये आज तुम लोगों के लिए गिफ्ट का समझौता हूँ, इस वजह से यार मैंने तुम्हें यार ज़्यादा दिखा दिया है। लेकिन गाइज सॉरी यार, ये आगे कम हो सकते हैं, क्योंकि यार मैं एक वीडियो में इतना रिकमेंड्स नहीं डाल सकता, और यार इसके लिए मैं तुमसे दोबारा सॉरी कहना चाहता हूँ। और हाँ यार, तुम बता देना आज की भी लिस्ट अपनी जो तुम बताना चाहते हो। और गाइज तुम्हारे अच्छे अच्छे कमेंट्स यार बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन यार कुछ कमेंट्स हैं यार मैं तुम्हें दिखाना भी नहीं चाहता, तो यार क्या मैं यार बहुत सी बेकार कमेंट्स भी आ जाती हैं। लेकिन यार चलो छोड़ो यार, कुछ नहीं उनसे यार हमें कुछ लेना देना ना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है यार हमें। यार अब मैंने यार सोचा कि चलो यार अच्छी आ रही है तो यार वो बुरी तो आएंगी ही। और गाइस हाँ, तुम्हारी अच्छियों के सामने उन बुरियों की कुछ नहीं चलती। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।